हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। फ्रेंड्स, मैं कल इंदौर गई थी तो वहाँ से कुछ प्लांट खरीद के लाई हूँ। बहुत ही खूबसूरत प्लांट दिखे मुझे, तो मैंने वहाँ से कुछ प्लांट खरीदे हैं। और फिर कल ही जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं कुछ पौधे ले लूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो पौधे लिए हैं तो एक अंदर से बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ है। अंदर से इतनी खुशी हुई है मुझे कि मैंने जन्माष्टमी के उत्सव पर मेरे गार्डन के लिए कुछ प्लांट लिए हैं। और फ्रेंड्स, जब हम किसी उपलक्ष्य में पौधे लेते हैं तो बहुत ही अंदर से ऐसी फीलिंग्स होती है, बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है हमें। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने गार्डन के लिए किसी फेस्टिवल पर या उपलक्ष्य में पौधे खरीदना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और अंदर से बहुत अच्छी खुशी मिलती है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने इंदौर से प्लांट खरीदे हैं, मुझे बहुत ही सस्ते प्लांट मिल गए हैं। 5 प्लांट लेकर आई हूँ मैं। 2 गुलाब के हैं, 1 जो है डार्क बैंगनी कलर का फ्लावर है। ऐसा लगता है जब पूरा ब्लूमिंग होता है तो पूरा ब्लैक कलर का लगता है। जब मैं कल लेके आई थी तब ये पूरा फ्लावर ब्लूमिंग हुआ था, लेकिन मैं जब यहाँ तक लेकर आई हूँ तो ये वाला फ्लावर जो है टूट गया है। और इतना खूबसूरत लग रहा था, ब्लैक कलर, डार्क बैंगनी कलर था पर ब्लैक जैसा ही लग रहा था। और फ्रेंड्स, मैं एक ऑरेंज कलर का गुलाब के फ्लावर का प्लांट लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मुझे 5 ही प्लांट जो है 150 में ही पड़ गए हैं। जो है गुलाब के प्लांट है, 40 रुपये का एक प्लांट है। और एक जो ये रेड, डार्क रेड कलर का जो ये है, 20 रुपीज़ का है, 20 रुपये का है। और ये वाला भी 20 रुपये का है। और एक और जो ये बैंगनी कलर के फ्लावर वाला है, ये है 30 रुपये का। तो मुझे 5 ही प्लांट जो है 150 रुपये में मिल गए हैं। और हमारे यहाँ के नर्सरी में तो कोस्टली ही मिलते हैं, मैं यहाँ से भी लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये प्लांट कितना खूबसूरत है और बिल्कुल वेलवेट की तरह फ्लावर हैं इसके। और जब ये ब्लूमिंग हुआ है तो कितना खूबसूरत लग रहा है। एक फ्लावर है जो मुरझा रहा है तो वो भी इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि मानो बटरफ्लाई हो। ये देखो, जब ये मुरझा गया तो कितना अच्छा खूबसूरत बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। और आप ये फ्लावर कितने खूबसूरत फ्लावर है, बैंगनी की तरह है, वेलवेट जैसे ही फ्लावर है, बिल्कुल वेलवेट सॉफ्ट लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, एक और बैंगनी कलर का है डार्क, ये भी कितने छोटे छोटे खूबसूरत फ्लावर है। और जितने इसमें पत्तियां है उतने ही फ्लावर ब्लूमिंग हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हम अपने घर के लिए गुलदस्ते लेके आते हैं तो बिल्कुल गुलदस्ते की तरह ही प्लांट लग रहे हैं। एक और प्लांट ये वाला है जो अभी फ्लावर अब ब्लूमिंग हो रहे हैं। जब मैं कल लेके आई थी तब भी ब्लूमिंग हुए थे पर शाम तक ये जो है मुरझा गए थे। और इनमें जो है अंदर येलो शेड में है, एक पत्ती पे जो है येलो शेड है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जब ये मुरझा गए तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने किसी प्लांट पर जो छोटे छोटे बल्ब लगा दिए हो। और इनकी पत्तियां भी देखने पर बिल्कुल ऐसे लग रही हो जैसे कि नकली पत्तियां हो। फ्रेंड्स, हम इन प्लांट को जो है ब्रांचेस से भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने इन प्लांट में देखा है कि यहाँ पर देखो जड़ रूट से जो है निकल के आ रही है। ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये छोटी छोटी जड़ निकल के आ रही है। तो मैं जो है इन प्लांट को ब्रांच से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट जो 30 रुपये में ही मुझे मिला है। और एक पॉट में के साथ दिया है तो फ्रेंड्स 30 रुपये में पॉट भी साथ में आ गया है। नहीं तो हमारे यहाँ पर तो जो इस तरह पॉलीथीन में ही रहते हैं और वो भी कॉस्टली रहते हैं। और ये वाला भी पॉट में ही है। फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी से, कहीं भी नर्सरी से जब प्लांट लेकर आते हैं तो उन प्लांट को हमें हैंड टू हैंड रिपोर्ट नहीं करना है। उन्हें लाने के बाद कम से कम एटलीस्ट हमें 6 से 8 दिन तो हमारे गार्डन में जैसे लाए हैं वैसे हमको रख देना है।
क्योंकि जब हम जहाँ से प्लांट लेके आते हैं तो वहाँ की जो हवा पानी अलग रहता है, वातावरण अलग रहता है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सेट होने में उनको भी टाइम लग जाता है। अगर कोई बच्चा भी होता है, अगर वो कहीं जाता है तो उसको भी वहाँ सेट होने में तो टाइम लग ही जाता है, 3-4 दिन तो लग ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें हैंड टू हैंड रिपोर्ट नहीं करना है। और जब भी हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हमें जो उनको रिपोर्ट करने के लिए जो ये पॉलीथीन है उनको हटाना रहती है, तो उन ये पॉलीथीन है इनको तो पूरा काट दूंगी मैं, और इस मिट्टी को पूरा मेरे अदर पॉट में ऐसा कैसा रख दूंगी। हमें इस मिट्टी को नहीं हटाना है। अगर हम इस मिट्टी को हटा देते हैं तो हमारा प्लांट पॉसिबल नहीं होता है चलना, तो हमें जो इस मिट्टी को नहीं हटाना है। फ्रेंड्स आप भी फेस्टिवल पर या किसी भी उपलक्ष्य में जो है प्लांट लेके आना, आपको बहुत अच्छी अंदर से खुशी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और मैं हर एक फेस्टिवल पर या किसी भी उपलक्ष्य में जो पौधा लेके आऊँगी, और मुझे भी याद रहेगा कि मैं इस उपलक्ष्य में जो है ये पौधे लेकर आई हूँ। तो मैं कल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 5 पौधे लेके आई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा और अंदर से बहुत अच्छी खुशी हुई है कि मैं जन्माष्टमी के उत्सव के लिए या उपलक्ष्य में जो है 5 पौधे लेके आई हूँ, और ये मुझे हमेशा याद रहेगा कि ये पौधे जो मैं उस टाइम लाई थी। तो मैं हर एक फेस्टिवल पर या उत्सव पर जो है इस तरह से कुछ ना कुछ प्लांट लेकर ही आऊँगी, क्योंकि अंदर से खुशी होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है।